मचा एक भीषण सड़क हादसा। हादसे में 10 लोग घायल और वहीं पर 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूरतकोट से पूछ जा रही थी टाटा सुमो। सांबा पुलिस ने चोरों के खिलाफ चलाया बड़ा अभियान। 8 माह में पुलिस ने 68 चोरी के मामलों का किया खुलासा। 130 कुख्यात चोरों को पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। जम्मू के पर्यटन उद्योग में नई जान फूकेगी अब सरकार। सिद्रा में तवी नदी के किनारे बनेगा मेगा वाटर पार्क। मेगा वाटर पार्क के लिए लगभग 92 कनाल भूमि की निशानदेही। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। जिला पुंछ के लसाना इलाके में एक टाटा सुमो चालक के नियंत्रण से बाहर हो जाने से कार जो है वो हादसे का शिकार हो जाती है, जिसमें 10 लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में पहुंचाया। घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पर इस खबर पर और अधिक जानकारी भी हम लेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें उन घायल लोगों की है जो हादसे का शिकार हो जाते हैं और जिसमें 10 लोग जो है वो घायल हुए हैं। 3 की हालत इस वक्त काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है, गंभीर बताई जा रही है। और वहीं पर एक बार फिर से ये देखने को मिला कि किस तरह से जब भी इसी तरह का कोई हादसा उन इलाकों में होता है तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह से मदद करते हैं, किस तरह से सामने आते हैं और अपना एक इंसानियत का फर्ज जो है वो भी वहाँ पर निभाते हुए नजर आते हैं। तो इस पर और जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। सनी, आपसे जानना चाहते हैं जिस तरह से इस हादसे की खबर सामने आ रही है, अब क्या कुछ सूरत हाल है, कितने लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं और 3 गंभीर भी बताए जा रहे थे, उनका क्या कुछ सूरत हाल है? जितिन जी, आपको बताते हैं कि सुबह सुबह ये एक बड़ा हादसा जो है वो पुंछ के मदाना इलाके में हुआ है। आपको बता दें कि मदाना से सुरनकोट एक सुमो जो है वो जा रही थी, जिसमें 10 लोग सवार थे और बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने से ये बड़ा हादसा हुआ है। जब बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल हुई और ड्राइवर ने वहां पर चुस्ती दिखाई और पहाड़ के साथ जो है गाड़ी को जो है वो पलट दिया और गाड़ी पलटने से जो है वो 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों को समय रहते ही पुंछ राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां उनका इलाज जो है वो चल रहा है और 10 में से 3 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है और अभी उनका इलाज पुंछ में ही चल रहा है। अगर उनकी कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है तो उन्हें पुंछ से रजौरी के लिए जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा, पर अभी पुंछ के अंदर जो है वो उनका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी तक वो स्टेबल है, अगर 3 की कंडीशन जो है ज्यादा बिगड़ जाती है तो उन्हें रजौरी के लिए रेफर कर दिया जाएगा। बिल्कुल सनी, आपने बताया कि यहाँ पर ड्राइवर की सूझबूझ के कारण जो है ये कहीं ना कहीं जो हादसा काफी बड़ा हो सकता था वो बच भी गया, तो क्या लगता है अगर यहाँ पर ड्राइवर भी अगर हिम्मत हार देता तो ये बड़ा हादसा हो सकता था? जी बिल्कुल, एक बड़ा हादसा हो सकता था। 10 लोग जरूर घायल हुए हैं, पर जिस तरह से ड्राइवर की यहाँ पर एक कोशिश जो है वो कामयाब हुई है, अगर ये गाड़ी यहाँ से नीचे की तरफ चली जाती तो लगभग 10 के 10 लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जान से हाथ धो बैठे। पर ड्राइवर की यहाँ कामयाबी हम देखते हैं कि जिस तरह से ड्राइवर के द्वारा गाड़ी एक पहाड़ के साथ जो है वो पटक दी और उसमें 10 लोग घायल हुए हैं, ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। आपको बता दें कि ड्राइवर की बहुत ज्यादा कोशिश जो है हमने लोगों से बात किया, उन्होंने कहा है कि ड्राइवर ने बहुत कोशिश की और गाड़ी को कंट्रोल में करके एक पहाड़ के साथ जो है वो टकरा दी और उसमें ही ये 10 लोग घायल हुए हैं। अगर ये गाड़ी पहाड़ से नीचे चली जाती तो इन 10 लोगों की मौत भी हो सकती थी। बिल्कुल सनी, उस इलाके की भी बात करेंगे, उस रोड की भी बात करेंगे, वहां का क्या सूरत हाल है, कितने हादसे जो है अक्सर उस रोड पर भी देखने को मिलते हैं? जी, इस रोड पर जरूर हादसे होते रहते हैं क्योंकि ये सिंगल रोड है, एक गांव से
सुरमकोट की तरफ जो है वो जाती है और इस गांव के बीच ही ये बड़ा हादसा हुआ है। और मकामी लोगों का ये कहना है कि ड्राइवर की चुस्ती बनते ही दिखती थी, जिस तरह से ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी को जो है एक पहाड़ के साथ जो है वो टकरा दी। और वहां पर अगर सड़क की बात करें तो सड़क पूरी तरह से रिपेयर नहीं है, बड़े बड़े खड्डे जरूर है, जिसकी वजह से अक्सर इस तरह के हादसे होते रहते हैं। पर एक बड़ा हादसा होने से टला है, 10 लोग जरूर घायल हुए हैं, पर उस तरह का हादसा नहीं हुआ है जिस तरह से बताया जा रहा है कि बहुत ऊंचा पहाड़ था और अगर ये गाड़ी पहाड़ से नीचे चली जाती तो ये 10 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। सुनी सनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे सामने रखी और बताया कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, वहां पर जो घायल हुए हैं उनका क्या सूरत हाल है और इस बीच में किस तरह से ड्राइवर की सूझबूझ यहाँ पर काम की, जिसके चलते ये बड़ा हादसा जो है वो टल गया। सांबा पुलिस ने जिले के सुपवाल इलाके में हुई सिलसिलेवार चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। इन घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 छात्र चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ महीनों से सांबा पुलिस ने चोरों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर रखा था और इसी अभियान के तहत पुलिस की चोरी की घटनाओं का खुलासा कर लिया है और वहीं पर कई चोरों को उस इलाकों के पीछे भी पहुंचाया है। इस खबर पर और भी हम जानकारी लेंगे और जिन छात्र चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसकी तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं और किस तरह से लगातार ये छात्र चोर जो है वहां पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जहां पर सांबा पुलिस जो है लगातार अपना काम जो है वो कर रही है और वहीं पर किस तरह से चोरों के खिलाफ मोर्चा जो है पुलिस ने खोला है, आए दिन इस तरह की खबरें जो है वहां से सामने आ रही। हालांकि ये भी देखने को मिलता है कि किस तरह से चोरी की वारदातें वो भी सांबा में हो रही थी, लेकिन पुलिस ने भी दिखाया है कि अब इन चोरों की खैर नहीं है। तमाम जानकारी लेते हैं बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे लेंगे जानकारी। ऋषि, आपसे जानना चाहते हैं कि लगातार हम ये भी सुन रहे थे एक तरफ कि चोर लगातार अपने कामों को अपनी चोरियों का अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर जहां पर पुलिस इस तरह के काम कर रही है तो साफ तौर पर यह भी नजर आ रहा है कि अब चोरों की भी खैर नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपको बता रहे हैं, क्राइम को खत्म करने की जो सांबा पुलिस की कोशिश है वो लगातार आगे चल रही है और चलते लगातार जो क्रिमिनल्स की धरपकड़ की जा रही है, चोरों की धरपकड़ की जा रही है। और यही आपको बता दें कि 3 और कुख्यात चोर जो है ये पुलिस ने हिरासत में लिए। इससे पहले भी बीते एक हफ्ते में लगातार हमने देखा कि लगातार चोरों की धरपकड़ हुई है, चाहे वो अलग अलग इलाकों की बात कर ले जिला सांबा की। तो इनसे जो तमाम जो कीमती सामान चुराया हुआ वो भी पुलिस ने रिकवर किया और कईयों को लेकर हम ये भी आपको बता दें कि कुछ चोर जो ऐसे कुख्यात चोर है जिसको लेकर पुलिस ने उनको पहले ही गिरफ्तार किया था, लेकिन अब उसको लेकर चार्जशीट भी जो है वो ऑनरेबल कोर्ट में जो वो दायर की गई है पुलिस की तरफ से। और लगातार एक जो शिकंजा है वो पुलिस की तरफ से कसा जा रहा है इन चोरों के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि इसमें एक मुख्य कारण ये भी है कि नशा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और नशे के कारण ही ये चोरियों की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, तो उसी को लेकर अंकुश पुलिस की तरफ से लगाया जा रहा है। और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी क्रिमिनल नहीं बच सकता पुलिस के आधार पर आने से। जिसको लेकर जब ये मामले तमाम पुलिस के संज्ञान में आते हैं तो पुलिस उसके बाद जो अपना रोल निभाना शुरू कर देती है, तमाम अलग अलग हाइडआउट पर पुलिस रेड करती है, कहाँ कहाँ पर इनके जो तार जुड़े होते हैं वो तमाम सोर्सेज के हवाले से जानकारी हासिल कर आगे पुलिस कार्रवाई को अंजाम देती है। और उसी कड़ी में ये जो पूरा चोरी के ये जो 3 मामले थे या 3 चोर जो कुख्यात पुलिस ने पकड़े हैं, तो इनकी भी पुलिस ने जो वो एक चिट्ठा तैयार किया था जिसमें पुलिस पोस्ट सपवाल की बात करें या फिर विजयपुर पुलिस स्टेशन की बात करें तो यहीं पर मामले जो है वो दर्ज थे चोरी के, उसी को लेकर पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए इन 3 कुख्यात चोरों को हिरासत में लिया है और लगातार आगे भी ये कार्रवाई जो पुलिस की तरफ से देखने को मिलती रहेगी। बिल्कुल ऋषि, ये भी जानना चाहेंगे कि 8 महीने के जितने भी चोरियों के मामले हैं उनका खुलासा हुआ है, तो 8 महीने में कितने चोरियों के मामले सामने आए हैं और क्या जो खबर सामने आ रही है कि वो जो मामले थे 8 महीनों के वो इन्हीं छात्र चोरों ने किए थे कि अभी और भी इन्वॉल्व? मैं आपको बता दूं कि लगभग 150 के आसपास जो चोर है वो पुलिस ने पिछले 8 महीनों में जो वो गिरफ्तार किए हैं, लगभग
70 के आसपास चोरी के मामले भी पुलिस ने सॉल्व किए हैं। तो एक बड़ी कामयाबी जो वो पुलिस को हासिल हो रही है, मुझे लगता है कि इसी तरह से काम करने की जरूरत है ताकि क्राइम रेट जो वो खत्म हो, लगातार इस तरह के शरारती तत्वों की धरपकड़ हो और पुलिस का मोटिव साफ है कि कोई भी क्रिमिनल जो वो पुलिस की रडार पर आने से नहीं बच सकता। बिल्कुल ऋषि, आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या लगता है कि जिस तरह से ड्रग्स के चलते ये चोरियों की वारदातें भी सामने आ रही हैं, तो सबसे पहले इन ड्रग्स के मामले पर शिकंजा कसना जरूरी है। देखिए आप अपना प्रश्न दोहराया ऋषि, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी बताएं। जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह से ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी चोरियों के मामले सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ड्रग्स से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि सबसे पहले नशे से रिलेटेड ये तमाम मामले जो देखने को मिल रहे हैं, जब इनका नशा टूटता है तो उसके बाद ये चोरियों की वारदात को अंजाम देते हैं, तो उसी सिलसिले में लगातार पुलिस जो अपना एक्टिव रोल निभा रही है, तमाम अलग अलग इलाकों में नाकाबंदी की हुई है और जब भी कोई ऐसी सूचना मिलती है तो पुलिस उसके ऊपर अमल करती है और इस तरह के शरारती तत्वों की धरपकड़ करती है और कहीं ना कहीं ड्रग्स एक बड़ा एंगल इसमें भी देखने को जो वो मिलता नजर आ रहा है। जी चलिए ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया किस तरह से लगातार वहां पर चोरियों के मामले बढ़ते जा रहे थे, कहीं ना कहीं ड्रग्स से भी मामले जो है वो चोरियों के जुड़े हुए हैं, जिनको लेकर लगातार पुलिस जो है वो शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है, जहां पर साथ साथ चोरियों के मामले पर भी शिकंजा कस रही है और पुलिस यहां पर इन ड्रग्स के मामलों पर भी शिकंजा कस रही है, उसके लिए भी अभियान चला रही है ताकि ड्रग्स के मामलों में जहां पर लगातार लोग जो है शोर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वहां से दूर हो सके और चोरियों की वारदात भी कम हो सके। जम्मू के पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है और वहीं पर पर्यटकों को जम्मू की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने सिद्रा में तवी नदी के किनारे एक मेगा वाटर पार्क का निर्माण करने की योजना बनाई है। वाटर यहां पर थीम पार्क पर जम्मू में प्रमुख पर्यटन आकर्षण होगा और इसी के साथ साथ बहुफोर्ट महामाया मंदिर और वहीं पर इसी झील के साथ साथ मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर पर्यटन यहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा, इसका एक उद्देश्य जो है वो सरकार ने बनाया है और इसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर काम भी चल रहा है। इस पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता शिल्पा ज्वाइन कर चुकी है, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। शिल्पा, आपसे जानना चाहते हैं सरकार ने ये जो नई थीम रखी है वाटर पार्क को लेकर, सबसे पहले तो इस पर जानकारी दीजिएगा। जी आपको बता दें कि देखिए आने वाले समय में जम्मू की आम जनता और जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे उन्हें एक आकर्षित केंद्र जो है वो देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि सिद्रा के पास यानी कि सिद्रा तवी नदी के पास जो है ये मेगा वाटर पार्क बनाया जाएगा जो कि एक आकर्षित केंद्र होगी और ये काफी ज्यादा बड़ा वाटर पार्क होगा जहां पर ये पूरी तरीके से पर्यटक विभाग की तरफ से ये ध्यान रखा गया है कि छोटे से लेकर बड़े तक जो है वहां पर जो है वो खेल पाएंगे, हर एक चीज का जो है वो आनंद ले पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 92 कैनाल भूमि की पहचान जो है वो की गई है जहां पर बहुफोर्ट माया मंदिर, कृतम झील, मुबारक मंडी, हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर टूरिस्ट सर्किट जो है वो बनाया जाएगा। और साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि जिस तरीके से डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने बैठक की, उच्च अधिकारियों के साथ जो है ये बैठक की गई, तो माफ कीजिएगा टूरिज्म अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई और पूरी तरीके से समीक्षा ली गई कि किस प्रकार से ये मेगा वाटर पार्क जो है वो बनाया जाएगा। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि इसमें कितनी लागत जो है वो लगाई जाएगी, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से अब बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जम्मू जो है वो एक टूरिस्ट हब जो है वो बनेगा जिसके चलते पर्यटक यहाँ पर आते हैं, अलग अलग स्थानों में जो है वो घूमने जाते हैं और माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब पर्यटकों के लिए आकर्षित केंद्र जो है वो बनने जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इसमें जो है वाटर राइड रहेगी, वेव पूल, आर्टिफिशियल वाटर लैंडस्केप होगा, किड्स पूल, स्विमिंग एरिया, वाटर म्यूजियम होगा, सेंट्रल वाटर बॉडी होगी और इसके अलावा जॉगिंग ट्रैक होगा, स्काई डाइनिंग होगा, वाटर वॉलीबॉल होगा, सन बाथिंग होगा, लेजी रिवर, इंडोर वाटर स्पोर्ट्स और साथ ही साथ महत्वपूर्ण यानी कि रात के समय जो है वो नाइट इवेंट्स भी जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि पर्यटकों को यहाँ पर जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो कोशिश की जा रही है और हर एक चीज जो है यहाँ पर ध्यान रखी जा रही है कि किस प्रकार से पर्यटक जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आए और पर्यटन विभाग की तरफ से जो है वो अब मेगा वाटर पार्क जो है वो आने वाले समय में जल्द ही बनाया जाएगा।
बिल्कुल, ये तो बहुत ही बेहतरीन है, कहीं ना कहीं रोजगार जो है शिल्पा वो भी यहाँ पर मिलेगा। लेकिन सवाल अब हम इसे दूसरी तरफ भी लेकर जाते हैं, यानी कि ये पार्क यहाँ पर तैयार हो जाता है और भी बहुत सारे पार्क हैं जम्मू में जहाँ पर पर्यटक वहाँ पर पहुँचते हैं, पर्यटक नहीं पहुँचते हैं तो आम लोग शाम को वहाँ पर टहलने जरूर जाते हैं, लेकिन बनने के बाद जो देख रेख का काम है क्या लगता है, बाकी जितने भी यहाँ पर इस तरह की चीजें बनी है जहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं वहाँ पर उस तरह से देख रेख का काम हो रहा है और यहाँ पर भी सरकार रख पाएगी उस तरह से? कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज जो है वो जरूर देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है वो बन जाती है तो उसकी देखभाल जो है वो नहीं की जाती है। लेकिन इस तरीके से एक बड़ा मेगा वाटर पार्क बनने जा रहा है जहाँ पर हर एक चीज की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, नाइट इवेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, छोटे बच्चों के लिए वहां पर स्विमिंग पूल होगा, जॉगिंग ट्रैक होगा। तो कहीं ना कहीं अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई की बात करें या फिर जिस तरीके से रेनोवेशन की बात करें तो इसका छोटी से बड़ी चीजों तक जो है वो पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से जम्मू जो है वो एक टूरिस्ट हब जो है वो बनने जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे उन पर जो है वो एक अच्छा प्रभाव पड़े और एक आकर्षित केंद्र जो बनने जा रहा है तो इन सब चीजों का जो है वो अवश्य ध्यान जो है वो जरूर रखा जाएगा। बिल्कुल शिल्पा, क्या लगता है कितना समय लगेगा, कोई जानकारी इस हवाले से सामने आ रही है? शिल्पा क्या लगता है इस वाटर पार्क को बनने में कितना समय लगेगा, इस हवाले से कोई जानकारी सामने आई है? देखिए अभी तक इसकी कोई भी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है कि कितना समय और लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रस्ताव जो है वो रखा गया है और नई नई चीजें जो है वो इसमें की जा रही है तो अगर हम लागत की बात करें तो अभी तक ये भी जानकारी सामने नहीं आई है कि 92 कनाल जो भूमि तय की गई है उस पर कितनी लागत जो है, कितनी लागत पर जो है ये मेगा वाटर पार्क जो है वो बनाया जाएगा, अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन आने वाले समय में जब भी ये बनाया जाएगा तो काफी बड़ा आकर्षित केंद्र जो है वो पर्यटक और जम्मू की आम जनता के लिए होगा। जी चलिए शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारी संवाददाता शिल्पा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और बताया कि किस तरह से सरकार का जो नया प्लान है यहाँ पर जम्मू में, जम्मू को किस तरह से पर्यटक के उद्देश्य में लाने के लिए कि यहाँ पर पर्यटक जो है बढ़ चढ़ कर यहाँ पर पहुंचे और उसके लिए किस तरह से नई नई स्कीम्स जो है वो सामने आ रही हैं, नए नए प्लान जो है वो सरकार सामने रख रही है, जिसमें से वाटर पार्क का थीम जो है ये भी एक उसी का हिस्सा है। और फिलहाल कितने जमीन पर ये वाटर पार्क बनाया जाएगा उसकी जानकारी भी दी है, लेकिन कब से ये सब कुछ देखने को मिलेगा और कितना समय लगेगा फिलहाल उससे जुड़ी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। जम्मू के जेएमसी अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे हैं और वहीं पर जेएमसी प्रशासन की तरफ से अस्पताल में किस तरह से उसे बेहतर बनाया जा रहा है उसी पर पेश है एक रिपोर्ट। जम्मू का जीएमसी अस्पताल, पहले इस अस्पताल से विवादों के अलावा कोई दूसरी खबर देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से इस अस्पताल से लगातार अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। अस्पताल प्रशासन लगातार मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा है। अपने इस उद्देश्य को लेकर अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल को स्पीकिंग अस्पताल बनाने की ओर कदम बढ़ाया है ताकि मरीजों को भटकना ना पड़े। प्रिंसिपल सर की गाइडेंस से हम लोग कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा डायरेक्शंस थी हमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सर की कि हॉस्पिटल स्पीकिंग होना चाहिए, हॉस्पिटल में कोई भी आए तो पूछ पाछ नहीं होनी चाहिए, उसको सीधा पता लगना चाहिए कि मैं क्यों आया और मुझे कहाँ जाना है। उसके लिए हमारा एक आईसी या साइंस के ऊपर, साइंस और जो साइनेजेस हैं उनके ऊपर काम चल रहा है, उसका हमने सैंपल जो स्टार्ट किया है या पायलट प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया है वो हमने ओपीडी से स्टार्ट किया है। आपने देखा होगा ओपीडी में एंट्रेंस पे ही एक बोर्ड लगाया गया है जिसके ऊपर 6 किस्म की लाइनें लगी, किसी को प्रिंसिपल ऑफिस जाना है, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, किसी को एंटी रेबीज सेक्शन में जाना है, किसी को एक्सरे अल्ट्रासाउंड सीटी एमआरआई करवाने जाना है या किसी को सेंट्रल लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने जाना है, तो वो सारी लाइनें वहीं से वो फॉलो कर सकता है और आराम से वहाँ पहुँच जाएगा। इसके साथ में आपने देखा होगा साइन बोर्ड्स को हमने सीलिंग से लटकाया भी हुआ है, जो बंदे
ऊपर देखें तो उनको ऊपर से भी पता लग जाए कि भाई ये एंटी रेबीज सेक्शन है, ये आयुष्मान भारत का सेंटर है, ये ओपीडी काउंटर है, ऐसे इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ में एक कॉन्सेप्ट जो प्रिंसिपल सब ने हमें बताया या दिखाया वो है कि ग्राउंड पे, जमीन पे, फ्लोर पे भी आपको साइनेजेस लगाने चाहिए सो दैट पेशेंट को कोई भी परेशानी ना आए। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हम इस पे काम कर रहे हैं कि हमारा स्पीकिंग हॉस्पिटल बन जाए। साइन बोर्ड लगाने के साथ साथ जीएमसीयू प्रशासन ने अस्पताल में म्यूजिक थेरेपी की भी शुरुआत की है। इसमें 6 से 8 घंटे ओम का उच्चारण और सर्व धर्म के संगीत की धुनें बज रही हैं। म्यूजिक थेरेपी पे काम शुरू किया और उसमें हमने एक म्यूजिक सिस्टम डोनेट करवाया अपनी औषधि से, जन औषधि से, और उसमें हमारे यहाँ पर एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स वर्किंग आवर्स में ओम का उच्चारण और दूसरे राग्स जो हैं सर्वधर्म के जो म्यूजिक है वो चलता रहता है, और साथ में पब्लिक अनाउंसमेंट्स भी होती हैं कि ये आपका अस्पताल है, इसको साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करिए, और भी वगैरह वगैरह चीज़ें चलती रहती। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल के वातावरण को स्वच्छ रखने और अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को साफ सुथरी हवा मुहैया करवाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का भी काम शुरू किया है, जिसने अस्पताल की कायाकल्प कर दी है। तीसरा, इको फ्रेंडली हॉस्पिटल करने के लिए हमने ग्रीन कॉरिडोर्स कॉन्सेप्ट लगाया, जिसमें वर्टिकल गार्डन्स हमने तैयार किए और गमलों का नंबर बढ़ाया, ग्रीन हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट, जिससे कि जो टॉक्सिटी, जो हवा में जो प्रदूषण है उसको हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो एब्जॉर्ब करें, खाएं, और एक अच्छा इन्वायरमेंट हमें मिले, हमारे पेशेंट्स की जो रिकवरी टाइम वो फास्टर हो। वहीं अस्पताल में आधुनिक मशीनें स्थापित होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इन मशीनों के स्थापित होने से मरीजों और तीमारदारों को टेस्ट करवाने के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। टेक्सला 3 एडवांस्ड एमआरआई मशीन लॉन्च हो चुकी है, उसकी ट्रायल चल रही है, आने वाले 10-12 दिन में वो पब्लिक को डेडिकेट कर दी जाएगी, और अल्ट्रासाउंड का रश कम करने के लिए या अल्ट्रासाउंड को पेशेंट फ्रेंडली बनाने के लिए हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है इमरजेंसी में ही, जिसमें अल्ट्रासाउंड आने वाले एक हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा। यही नहीं, अस्पताल प्रशासन ने मरीजों और तीमारदारों को बढ़िया और सस्ता खाना उपलब्ध करवाने के लिए सेवा भारती के सहयोग से अस्पताल परिसर में एक भोजनालय की भी शुरुआत की है। इस भोजनालय के शुरू होने से मरीजों और तीमारदारों ने राहत की सांस ली है। पेशेंट के अलावा अटेंडेंट्स के लिए भी हमने एक भोजनालय स्टार्ट किया है, जिसमें स्टैंडर्ड फूड इन द लोएस्ट कॉस्ट 10 रुपए की थाली का एक बंदोबस्त किया गया है, जो कि अभी लंच तक ही सीमित है, मतलब दोपहर की रोटी तक ही सीमित है। वो एक नया काम शुरू हुआ है एज पर पेशेंट एंड अटेंडेंट सहूलियत। हाल ही में जीएमसी प्रशासन ने अस्पताल की इमरजेंसी में 4:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सीनियर डॉक्टरों को तैनात कर मरीजों को राहत देने का प्रयास किया था। जीएमसी प्रशासन के इस तरह के कदमों से ये साफ नजर आ रहा है कि इस अस्पताल के वर्क कल्चर में भी लगातार सुधार हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।